अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल हकीम तारिक मेडिकल हर्ज पे। आज ये हम एक नुस्खा लेके आए हैं जो कि बहुत ही आसान है यूज़ करने का, भी इसका कोई ज़्यादा मसला नहीं है ना इसे बनाना पड़ता है। ये है एलर्जी के लिए, जो खून में एलर्जी हो, दाने किसी को बहुत ज़्यादा, जैसे चेहरे पे दाने निकल आते हैं, उसमें मवाद वगैरह आता है जाता है, अगर दाना ख़त्म हो जाए बाद में निशान छोड़ जाते हैं, और उसके अलावा फोड़े फिंसी ख़ारिश किसी को होती हो, उसके अलावा चंबल यानी सोराइसिस तक के लिए बहुत ही बेहतरीन है। एक माह के इस्तेमाल से इसमें खून को बिल्कुल साफ़ कर देता है ये। तो मैं फिर बता देता हूँ, दाने हों, ख़ारिश होती हो, सोराइसिस हो, और कुछ दाने कुछ लोगों को ऐसे निकलते हैं चेहरे पे, हिद्दत गर्मी खून में बढ़ने की वजह से चेहरे पे दाने निकलते हैं, जो इनमें मवाद होता है तो वो कल थोड़े अरसे तक रहते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन जाने के बाद निशान छोड़ जाते हैं, वो इससे निशान भी ख़त्म हो जाएंगे और खून की हिद्दत ख़त्म होगी, खून साफ होगा, तो दोबारा ये मसला होगा भी नहीं। इसमें ये सिर्फ तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बहुत आम है, आराम से 50 स्टोर से मिल जाएंगी आपको। ये तीन चीज़ें चाहिए, जिसमें ये सबसे पहले उनाब है, ये देख लें, ये उनाब का इस्तेमाल का तरीका है, चेक कर लें, इसको देख लें, बेर की तरह का होता है लेकिन ये बेर नहीं है, उनाब नाम है इसका। और ये दूसरी चीज़ है चरायता, ठीक है, और ये एक दफ़ा, ये तीसरी चीज़ है गुलमुंडी। ये तीनों चीज़ें आराम से 50 स्टोर से मिल जाएंगी और बहुत सस्ती हैं, महंगी भी नहीं है। एक माह के लिए आप देख लें, इसको ऐसे इस्तेमाल करना होता है कि थोड़ा सा आप ये ले लें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। इसकी क्वांटिटी तो आपने एक माह के हिसाब से ले लेनी है, जितना आप चाहें। अब एक दफ़ा जो आपने रात को, उसको तरीका ये है कि पानी में भिगो के इस्तेमाल करना है। पानी में कितना भिगोना है मैं आपको एक अंदाज़े के लिए बता देता हूँ कि आपने अगर ये तीन दाने इसके ले लिए, एक अंदाज़ा है 3-4 दाने, कोई इसमें हॉट एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसकी क्वांटिटी एक मेजर करनी है, ठीक है। और इसके इस तरह थोड़े से दाने इसके ले लिए, अगर एक कप पानी है तो ये उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये ले लिया, इस तरह एक बना लिया, और चरायता, ये इस तरह एक चरायते की क्वांटिटी आप इन दोनों से थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। ये इस तरह एक उसकी कोई, ये आप देख लें, इस तरह अंदाजे से थोड़ा सा ले लिया। अब ये जितना मैंने बना दिया है, जो एक गिलास होता है वो आप लें, उसके अंदर इसको रात को भिगो के रख दें, सुबह उठें ये सारी चीज़ें बाहर इनको नतार लें अच्छी तरह, बाहर फेंक के वो पानी सुबह निहार में खाली पे सबसे पहले आपने इसका एक गिलास पीना है। दूसरा तरीका सबसे बेहतर तो ये भी है, अगर आप सुबह उठ के इसको उबाल कर नतार कर चाय की तरह एक घूंट इस्तेमाल करें, या ठंडा करके पी लें तो भी बेहतर है, रात को रख दें और सुबह उठ के पी लें तब भी बेहतर है। ये नया इसका बेसिक काम जो मैं फिर बता देता हूँ, खून को साफ करना है, खून की हिद्दत को ख़त्म करना है, तो इससे SGPT लेवल भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। तो आप अगर किसी को दाने हैं चेहरे पे और जिस्म में ख़ारिश का भी लोगों को शिकायत होती है, हिंसी निकल आती, फोड़े निकल आते हैं, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगे, तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर UAE के लोगों को, जो ख़ासतौर पर UAE खलीज में, अगर उनको इन चीज़ों कहीं वैसे नहीं मिलती, वैसे तो 50 स्टोर हैं जो मैं बार बार बता चुका हूँ, अगर नहीं मिलती तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या हमारे दवाखाने पर विजिट करके भी ले सकते हैं। और ये बनी बनाई साशे भी हमारे पास होते हैं, हम बना के रखते हैं पर डोज के हिसाब से, जितना आपको चाहिए आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। हमारी डिलीवरी जैसे कि UAE में तो बिल्कुल फ्री है। और बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।